नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में बिहार की एनडीए सरकार खत्म, वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बैठक हुई, क्योंकि सरकार गिरनी है और सरकार गिरने को लेकर ही महागठबंधन की बैठक हुई है। तमाम माले के विधायक हों या कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक, सभी अंदर मौजूद अभी भी हैं। हालांकि बैठक खत्म हो गया है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर अंदर से सामने आ रही है, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जब अंदर तेजस्वी यादव मौजूद हैं, हालांकि सारा जो फैसला है लालू यादव ने अधिकृत किया है तेजस्वी यादव को लेने के लिए, और आज जो बैठक हुई है और उस बैठक में तमाम महागठबंधन की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि तमाम जो प्रक्रिया है सरकार गिराने की या सरकार बनाने की, वो अब शुरू हो गई है। ये तय है कि बिहार में सरकार पलट रही है, बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही है, आरजेडी जेडीयू मिलाकर जो है वो सरकार बनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीज़ों में जो है नाकाम है रही, क्योंकि कल लगातार जो बैठक हुआ उसके बावजूद भी फिलहाल अब तक कोई फलाफल निकल कर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो एनडीए की बैठक, जो महागठबंधन की जो बैठक है वो ख़त्म हो चुकी है, अंदर जो तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव अंदर फिलहाल अभी घूम रहे हैं, हालांकि तभी सभी जो विधायक हैं महागठबंधन के वो अंदर मौजूद हैं। जगदानंद सिंह बाहर निकले और जगदानंद सिंह एक कागज़ लेकर हाथ में वो सीधे बाहर गए और फिर वो 10 सर्कुलर में एंट्री किए हैं। ये तस्वीरें आई हैं जो हम आप तक बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कहा यह जा रहा है कि अंदर विधायक सभी पार्टियों के मौजूद हैं, जितने भी महागठबंधन में विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, सीपीआई के हो, सीपीएम के हो, सीपीआई माले के हो, ये तमाम सभी के विधायक वरिष्ठ नेता अंदर में मौजूद हैं। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और सभी सांसद आरजेडी के वो यहाँ मौजूद हैं। और बैठक अब समाप्त हो चुकी है, फैसला लेना है मुख्यमंत्री को, देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने देरों में राजभवन पहुंचते हैं, क्योंकि ये भी तय है कि जेडीयू ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में भी ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे आरजेडी के साथ, और ये विधायकों को भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम इसलिए ऐसा करें क्योंकि जेडीयू के कई नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं, जेडीयू के कई नेता हैं कि एक घंटे में पता चल जाएगा, और एक घंटे से ज़्यादा से बैठक चल रही थी जेडीयू की, और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। साफ तौर पर जो महागठबंधन की बैठक हुई है और उस बैठक में समर्थन को लेकर जो कागजात हैं वो भी तैयार करवाए जा चुके हैं, और समर्थन के जो पेपर हैं वो अब पहुंचा दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे, उसके बाद सरकार बनाने के लिए भी दावा पेश किया जाएगा, यानी वन डे, एक दिन में सरकार गिरेगी, एक दिन में सरकार बनेगी, ये जो कहा जा रहा था यही होने वाला है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। इस फाउंडेशन के साथ नमस्कार।